जनसत्ता.com के ऑनलाइन वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाहरुख की फिल्म फैन आज रिलीज हुई है। इस फिल्म को लेकर काफ़ी बज है, न केवल प्रशंसकों में बल्कि बॉलीवुड गलियारों में भी। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र कुमार। शाहरुख की पिछली फिल्म दिलवाले उस हिसाब से नहीं चली थी जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी, तो इसके पास से शाहरुख पे भी काफ़ी दबाव है हिट फिल्म को लेकर, या इसके तरीके से कहेंगे जिस फिल्म को सभी लोग सराहें, तो इस फिल्म को हम किस तरीके से देखें? देखिए, शाहरुख खान की पिछली फिल्म ने ठीक ठाक कारोबार किया था, लेकिन उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई थी जितनी कि उससे उम्मीद थी। रोहित शेट्टी और शाहरुख एक साथ आए थे, इससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख की बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट थी, तो इस वजह से उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिली। और फैन के साथ उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं कि एक तो पिछली फिल्म औसत रही, दूसरा फिल्म का कॉन्सेप्ट यूनिक है। इसमें शाहरुख का डबल रोल ज़रूर है, बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में डबल रोल पर बनी हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें एक फ़ैन सुपरस्टार को चेज करता दिखाई देगा, जो कि एक यूनिक है, बॉलीवुड में ऐसी कम ही फिल्में बनी हैं। और शाहरुख खान को इस समय अपने करियर में एक बड़ी हिट की ज़रूरत भी है, क्योंकि पिछली उनकी 5-6 फिल्में अगर आप देखें तो ओम शांति ओम के बाद उन्हें वैसी बड़ी हिट नहीं मिली जिसकी अभी तक उनसे उम्मीद रहती है। उनके करियर के स्टार्ट में आप देखें तो बाजीगर, डर, कुछ कुछ होता है, इस तरह की बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हैं, लेकिन काफ़ी समय से वो ऐसी ब्लॉकबस्टर नहीं दे पाए। और यही कारण है कि दिलवाले को जब असफलता मिली थी तो कई फिल्मी पंडितों ने यहाँ तक कह दिया था कि शाहरुख खान का करियर जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन दो फिल्में शाहरुख के करियर को हो सकता है दोबारा जीवित कर दे, फैन से उम्मीद है, और ईद पर जो उनकी फिल्म आ रही है रईस, तो ये दो फिल्में ऐसी हैं जो शाहरुख को जिनसे बहुत उम्मीदें हैं। और बीच में उन्होंने कुछ फिल्में दोस्ती की खातिर की, जैसे हैप्पी न्यू ईयर और अन्य फिल्में, लेकिन ये दो फिल्में उनको वापस ट्रैक पर ला सकती हैं। फिल्म भारत में लगभग 3500 स्क्रीन पे और विदेश में लगभग 1500 स्क्रीन पे, तो तकरीबन 5000 स्क्रीन पर रिलीज़ हो रही है, तो इस लिहाज से माना जा सकता है कि अच्छा ओपनिंग करेगी। तो आपके हिसाब से क्या ओपनिंग मिल सकती है, और इस साल क्या ये एयरलिफ्ट को भी छोड़ पाएगी अभी तक जो सबसे बड़ी फिल्म है? देखिए, एयरलिफ्ट ने कोई बहुत ऐसा ब्लॉकबस्टर नहीं थी, अभी तक रिलीज़ हुई फिल्मों में वो सबसे ज़्यादा है। तो जब चेन्नई एक्सप्रेस की बात करें तो उसने पहले दिन ही करीब 35 करोड़ का कारोबार किया था, और एयरलिफ्ट का अगर बात करें तो एयरलिफ्ट ने करीब 12.5 करोड़ का पहले दिन बिजनेस किया था। और फिल्म से उम्मीदें इसलिए भी बढ़ जाती हैं कि एक तो कोई दूसरी फिल्म नहीं है, जैसे दिलवाले के सामने बाजीराव थी तो कलेक्शन बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन उस टाइम भी शाहरुख की फिल्म जो है वो 20 से 25 करोड़ के बीच में रही थी पहले दिन। तो उम्मीदें इस बार हैं कि ग्लोबली अगर देखें तो करीब 40-45 के आसपास ओपनिंग डे रहना चाहिए, क्योंकि एडवांस बुकिंग भी इसकी काफ़ी दिन पहले स्टार्ट हो गई थी और लगातार पिछले एक वीक से ट्रेंड में है सोशल मीडिया पे। अभी वॉच फैन टुडे पे करीब 15 लाख से ज़्यादा ट्वीट हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म को लेके कितना बज। और देखना पड़ेगा कि शाम तक क्या कलेक्शन आते हैं, लेकिन जो फिल्मी पंडित हैं वो करीब 20 से 30 करोड़ के आसपास इंडिया में ओपनिंग डे का अंदाज़ा लगा रहे हैं, और फिल्म की कुल लागत 105 करोड़ है। तो शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस का कलेक्शन 226 करोड़ के आसपास था, तो उम्मीद करनी चाहिए कि 300 से 500 करोड़ के बीच में ये फिल्म चले, क्योंकि शाहरुख की फिल्म है, और 300 के ऊपर कलेक्शन अगर नहीं जाता है तो फिर वही दिलवाले की तरह होगा। और शाहरुख की फिल्म को 300 से करोड़ से ऊपर अगर नहीं जाएगी तो वो एवरेज ही मानी जाएगी, लेकिन इस फिल्म से उम्मीदें हैं और ये लगता है कि कम से कम 300 से 500 करोड़ के बीच इसका कलेक्शन जाना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस फिल्म पे आईपीएल का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल भी अभी पूरे जो शबाब पे है? देखिए, आईपीएल के एक तो बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं, और आईपीएल जब पहला आईपीएल आया था, दूसरा, तीसरा, उस वक्त तक इतना क्रेज़ था आईपीएल को लेके कि बॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को उस दौर में रिलीज़ नहीं करना चाहता। लेकिन अभी आईपीएल का क्रेज़ थोड़ा कम हुआ है, और दूसरा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे
शाहरुख की फिल्म को लेके रिस्पॉन्स है उसे देख के लगता नहीं है कि आईपीएल का कोई फ़र्क इस पर पड़ेगा। और इन दिनों में शाहरुख की फिल्म पहले रिलीज़ नहीं होती रही हैं, तो एक तरह से उन्होंने एक प्रयोग भी किया है कि इस बार सुल्तान ईद पर आ रही है और दिवाली भी इस बार शाहरुख की नहीं है, वो भी सलमान लेगा। तो आईपीएल का फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, बाकी कलेक्शंस बताएंगे। शाहरुख ने खुद ने कहा है कि ये फिल्म उनके लिए काफ़ी अलग किस्म की फिल्म थी, तो इस फिल्म से हम किस तरह के सरप्राइजेज और क्या ऐसी खास बातें हैं जिनकी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इसमें सरप्राइज़ तो सबसे बड़ा यही है कि सचिन पिलगांवकर की बेटी श्रद्धा पिलगांवकर इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं, और इसके अलावा फिल्म में शाहरुख का डबल रोल है, और डबल रोल वैसा नहीं है कि दो बिल्कुल एक शक्ल के भाई हैं, डबल रोल है कि दोनों एसआरके वर्सेस एसआरके है, एक चेज है एक फाइट है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिल्म है। और सबसे बड़ी बात शाहरुख के फैंस के लिए इसमें यह है कि वो अपने सुपरस्टार को जीता हुआ देख सकेंगे कि वो रियल लाइफ में कैसे जीता है, और शाहरुख के वो सारे अंदाज मिलेंगे। कुछ शूटिंग मन्नत का सेट बनाकर भी की गई, तो शाहरुख के फैंस को देखने को मिलेगा कि उनका स्टार घर पर कैसे रहता है, कैसे बात करता है, उसकी टीम से कैसे डिस्कशन करता है, एक झलक उसकी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से भी शाहरुख के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो जैसा कि देखने में मिल रहा है, शाहरुख की फिल्म फैन को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, मगर ये देखने वाली बात होगी कि दर्शकों को कितना लुभा पाती है और बॉक्स ऑफिस पे उसका कलेक्शन कितना रह पाता है। धन्यवाद।